हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी के फ्यूचर्स के ऊपर बेस्ड इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में, और इसी स्ट्रैटेजी पे आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सेम डे में ही आप पैसा कमा के मार्केट से निकलना चाहते हैं तो भी आपके लिए स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, और अगर आप एक पोजिशन बना के काफ़ी लंबे रिटर्न्स आप जो है लेना चाहते हैं तो भी आप जो है ले सकते हैं। चाहे आपका टारगेट जो है वो एक महीने का हो, 10 दिन का हो, 5 दिन का, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको अपने जो पोजीशन एग्जिट करनी है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली फार्मूला बेस्ड स्ट्रैटेजी है, और इसी में हम इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं किस में, इंडिकेटर में। तो बेसिकली प्योरली आप कह सकते हैं कि ना तो ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है और ना ही ये फार्मूला बेस्ड स्ट्रैटेजी है। बेसिकली फार्मूले से हम निकालते हैं कि क्या वैल्यू से हमें बाय या सेल करना चाहिए, और उसको हम इंडिकेटर के अंदर मिक्सअप करके उस इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई कर देते हैं। और नॉर्मली मतलब जैसे आपने मेरी और भी वीडियोज़ देखी होंगी तो आपने उसमें देखा होगा कि मुश्किल से ही मतलब कोई स्टॉप लॉस हिट होता है, और वो भी बहुत ही छोटा, राइट, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अगर 200 रुपये का शेयर है तो मुश्किल से 1 रुपये का भी स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता। तो इसी पे बेस्ड स्ट्रैटेजी है। तो चलिए बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी। तो मैंने सबसे पहले जो है टर्मिनल ओपन कर लिया है। टर्मिनल के अंदर मैंने निफ्टी का जो है और बैंक निफ्टी, देखिए दोनों मैंने इसमें ऐड कर दिया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे निफ्टी की, और नेक्स्ट वीडियो मैं इसी वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो बैंक निफ्टी के ऊपर बेस्ड होगी, राइट। और क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है, मैं सभी जितने भी मोस्ट एक्टिव मोस्ट एक्टिव जो स्टॉक्स हैं, राइट, तो मैंने उसकी पूरी लिस्ट जो है वो मनी कंट्रोल से निकाल ली है, और मैं सभी पे वन बाय वन करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सभी को कवर नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए हर स्टॉक का प्राइस अलग होता है, उसका प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी जो बेसिकली वॉलीटिलिटी होती है, कितना वो ऊपर जाता है नॉर्मली, कितना नीचे जाता है, हर स्टॉक का देखिए अलग हिसाब है। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मतलब आप एक ही वीडियो में सभी स्टॉक का क्यों नहीं डाल देते हैं। मोस्टली जो जिस स्ट्रैटेजी पे अभी आप काम कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ वो नॉर्मली सेम ही है, पर कुछ जो पार्ट हैं, रूल्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। अगर मैं 20-30 स्टॉक्स की या निफ्टी की या बैंक निफ्टी की या और कितने सारे स्टॉक्स हैं अगर मैं सभी की बात करूं तो आपको मैं एक ही वीडियो में सभी की वैल्यू कैलकुलेशन निकाल के आपको कैसे आपको बता सकता हूं कि हाँ ये जो स्टॉक है वो इतने रुपये आपको ऊपर ख़रीदना है या फिर आपका इसका डिफरेंस जो है वो इतना रहना चाहिए। एक ही वीडियो में तो नहीं हो पाएगा ना, कैसे होगा एक वीडियो के अंदर। और दूसरा, चलो मैंने आपको बता भी दिया, मान लीजिए मैंने आपके लिए एक्सेल मेंटेन कर भी दिया, उसमें मैंने सभी की वैल्यूज़ डाल भी दी, ठीक है, तो बैक टेस्टिंग आप कैसे देखेंगे, आप कैसे ये पता लगाएंगे कि हाँ जो वैल्यूज़ मैंने आपको बताया है वो एग्जैक्टली बेसिकली आपको प्रॉफिट निकाल के दे भी रही है या नहीं दे रही है, राइट। तो देखिए मेरी जितनी वीडियोस होती हैं मैं आपको एक महीने के डाटा पे बैक टेस्टिंग करता हूँ, और मैं मिनिमम 6 मंथ के डाटा पे बैक टेस्टिंग करके ही अगर रिजल्ट आता है तो ही मैं आप लोगों को जो है बताता हूँ। तो एक महीने के डाटा के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी हर वीडियो पे लाइव टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, अगर रिजल्ट आता है तो ही आपको भी कॉन्फिडेंस होगा और आपको भी लगेगा कि आप अपना जो वीडियो देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो जो है वर्थ है, राइट। आपने वेस्ट नहीं किया, आपने कुछ यहाँ से सीखा और आपको कुछ अच्छा फील होगा कि हाँ मैं डेफिनेटली जो है यहाँ से प्रॉफिट बुक मैं कर सकता हूँ, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि सेम चीज़ है और आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ आपको मिल रही है, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। देखिए यार, पैसा कमाने के लिए टाइम तो देना ही पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि आपने टाइम नहीं दिया और आपको पैसा मिल गया, राइट। हो सकता है कि कभी किसी स्टॉक के ऊपर आपकी स्ट्रैटेजी या आप कह सकते हैं उस दिन उसमें पोजीशन ही नहीं बनी, तो क्या करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि भाई यहाँ पर आपको हर स्टॉक के बारे में सीखने को मिलेगा कि हाँ किस स्टॉक पर कितना बच रहा है। हो सकता है कि जैसे मैंने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के ऊपर काफ़ी अच्छा जो है रैली मिलती है, राइट। अब बाकी शेयर्स पे नहीं मिलती, अगर आप रिलायंस की बात करो तो उस पर आपको रैली नहीं मिलती है बड़ी बड़ी, येस बैंक पे आपको रैली मिलती है। तो ये जब आप वीडियो देखेंगे तो आप जब मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे को जो अगर 4 से 5 अगर स्टॉक्स सेलेक्ट करने हैं कि किस पे मुझे जो है ट्रेड करनी है, तो आपको हेल्प मिलेगा जब आप सभी
जितने भी स्टॉक्स हैं बेसिकली जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं, अगर आपको पता होगा कि हाँ प्रॉफिट तो सब में आ रहा है, मगर ईजी, बहुत ही ईजी तरीके से और बड़ी बड़ी प्रॉफिट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, राइट? तो जब आपको पता होगा तभी तो वो आप ऐड करेंगे। पता चला आप प्रॉफिट तो बुक कर रहे हैं मगर आपका जो स्लो जो है स्टॉक सिलेक्शन ही गलत था। आप बताइए, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, दूसरा बंदा भी प्रॉफिट बुक कर रहा है, आप कम कर रहे हैं, वो ज़्यादा कर रहा है। तो इस चीज़ को आप समझिए, है ना? और अगर वीडियो डल रही है तो आप उसको देखिए, अपने पास आप उसकी वैल्यूज़ को नोट डाउन कीजिए ताकि आपको बहुत इजी रहे इन फ्यूचर, आपको याद रहे कि हाँ अगर मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट किया है तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या वैरी करती हैं। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी वीडियोज़ की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो सेटिंग्स सबसे पहले आपको बता दूँ, तो हम एक्सेल ओपन करते हैं। तो देखिए ये सिंपल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, राइट? तो ये सिंपली अभी 5 रूल्स मैंने इसमें लिखे हैं। तो सबसे पहला तो है टाइम फ्रेम जो 15 मिनट का रहने वाला है। दूसरा ये है कि हमें जो चार्ट का बेसिकली लेआउट होना चाहिए वो हमारा कैंडल पे बेस्ड चार्ट होना चाहिए, राइट? तीसरा है कि हमें मैक गैनली डायनेमिक जो इंडिकेटर हमें लगाना है जो कि 12 की वैल्यू पे, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो 14 होगी मगर आपको 12 जो है करनी है। अब यहाँ पर ये जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देखिए यहाँ पर ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस प्राइस के अंदर जो वेरिएशन आया, राइट, अगर इस प्राइस के अंदर वेरिएशन आया और मान लीजिए कि कुछ कुछ बुद्धिजीवी होते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि देख लिया कि हाँ भाई ये इंडिकेटर यूज़ कर रहा है बंदा, तो अपने आप से ही जो है ना उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो होता क्या है कि ये जो वैल्यू है बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वैल्यू से ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है। और अगर एग्जीक्यूट होगा तो फिर आपकी प्रॉफिटेबल कंडीशन में ही जो है वो ट्रेड जाए, ये भी डिपेंड करता है। और आपका इसी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, राइट? वो स्टॉप लॉस हिट तो नहीं होगा तो मोस्टली, और दूसरी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि यार ऑर्डर की पोजीशन बनेगी या नहीं बनेगी। अब पता चला कि आपने 14 रुपये से 16 रुपये कर दिया अपने आप से, या 14 से कर दिया 15, अब आपने जो है पोजीशन बनाई तो डिफरेंस सही आ रहा है, आपने पोजीशन ली तो पता चला आपको बार बार आपका स्टॉप लॉस ही हिट हो रहा है, राइट? तो ये जो सब चीज़ें हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये ऐसे नहीं निकलती हैं। लोगों को लगता है बड़ा इजी वीडियो देखने के बाद कि बड़ा इजी है, अपने आप चलो 4-5 रुपये ले लो यहाँ पर और जो है 14-15 रुपये यहाँ ले लो, मगर आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोज़ में कि मैं 2-2 पैसा या 3-3 पैसे से भी अगर जो है पोजिशन को छोड़ देता हूँ, अगर मेरे रूल्स में फ़िट नहीं हो रहा 3 पैसे से भी तो मैं छोड़ देता हूँ। अगर आप समझिए, अगर आप 4 या 5 पैसा भी अगर आप मान लीजिए ऊपर अगर पोजीशन ले लेते हैं, मैं 3-4 पैसे के अंदर भी छोड़ रहा हूँ पर आप ले रहे हैं, तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा ना। लेने को मैं भी ले सकता हूँ 3-4 पैसे कि अरे यार 3 पैसे ही तो हैं ले लो, पर ये नहीं करना, ये गलत है। यहाँ पर 1-1 पैसे की फ़ाइट है और 1-1 पैसे से ही हम अगर छोड़ना सीखेंगे, रूल में फ़िट करवाना सीखेंगे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या वैल्यू जो हमारे पास है उसी के हिसाब से चलेंगे तभी बात बनेगी। आप नोट डाउन कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है? बाय सेल 4 MD 14। अब आप इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, आ जाइए आप देखिए। अब आप 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है, ऑलरेडी निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, मैक गैनली डायनेमिक। यहाँ पर जो न्यू यूज़र है मैं उनको बता दूँ कि आप यहाँ पर MD जब लिखेंगे तो ये आप सेलेक्ट कर देंगे, राइट? और ये 14 वैल्यू इसकी होगी, आप यहाँ से जाके 12 कर देंगे, ठीक है? अब ये आपका हो गया, राइट? निफ्टी का फ्यूचर है ये नवंबर का। हम सबसे पहले बैक टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, हम जो है 1 अक्टूबर का चार्ट ओपन करेंगे। अब अक्टूबर से हम टेस्ट करके देखेंगे इसको कि क्या रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्या कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि निफ्टी में मैंने देखा है बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, मेरे पास रिक्वेस्ट आती रहती है, राइट, कि निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी और इवन जो स्टॉक्स हैं काफ़ी सारे, रिलायंस ये और टाटा मोटर्स, मेरे पास रिक्वेस्ट आती रहती है इन चीज़ इस पर वीडियो बनाने की। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मोस्ट जितने भी एक्टिव जो हैं मैं सभी पे वीडियो बना देता हूँ ताकि किसी को मुझे मैसेज ना करना पड़े या रिक्वेस्ट ना डालनी पड़े कि आप मुझे इस पर वीडियो बना के प्लीज़ दिखा दीजिए या दे दीजिए, राइट? तो अब देखिए, जैसे कि आपको पता ही है एक्सेल में सीधा लिखा हुआ बाय सेल कब करना है। बाय सेल अगर करना है तो 4 रुपये ऊपर या 4 रुपये नीचे हाई लो के, और डिफरेंस होना चाहिए 14 का, ठीक है? तो सिंपल है, बाय का रूल आपको पता ही है, जिसको नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये देखिए लाइन ड्रॉ हो गई, लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखिए यार, आपको सिर्फ फोकस तभी करना है जब ये कैंडल जो है वो लाइन के ऊपर टच हो।
नहीं तो आप छोड़ दीजिए। ये जो कैंडल है इन पे आप आपको फोकस ही नहीं करना है, इनको फोकस ही नहीं करना है। आपको सिर्फ तभी फोकस करना है, अभी ये 1 अक्टूबर यहाँ से स्टार्ट हो गया, अब आपको फोकस तभी करना है जब ये कैंडल जो है लाइन को टच करे। अब यहाँ पर टच कर रहा है, सिंपल रूल, रेड मतलब सेल, ग्रीन मतलब बाय। रेड है तो सेल ही करेंगे अगर इस कैंडल के ऊपर, मान लीजिए हम चेक करते हैं और हमारा पोजीशन बनती है तो हम सेल ही करेंगे चाहे प्राइस यहाँ से वापस ऊपर चला जाए, और अगर ग्रीन कैंडल होती है तो हम बाय ही करेंगे। ठीक है, सिंपल, सेल बाय। अब ये तो समझ में आ गया कैंडल के रंग के हिसाब से आप कर लेंगे। अब बात यह है कि पोजीशन कैसे समझ में आएगी कि यहाँ पर पोजीशन बन रही है कि नहीं बन रही है। तो अगर रेड कैंडल है तो पहली चीज़ आनी चाहिए आपके दिमाग में क्या, रेड कैंडल यानी कि सेल। सेल का मतलब क्या कि देखिए बाय में सी बड़ा होना चाहिए, सेल में सी छोटा होना चाहिए। सिंपल है, बाय में बड़ा सी और सेल में छोटा, ठीक है, किससे, इससे, एमडी से। ठीक है, बाय में बड़ा होना चाहिए, सेल में छोटा होना चाहिए, किससे, इससे। तो यहाँ पर सिंपल है, ठीक है। और जो है आप देखिए यहाँ पर सेल है, छोटा होना चाहिए, 115 11 115 22, ठीक है, बिल्कुल छोटा होना चाहिए और छोटा है ना। तो आपको जो है यही करना है, और ग्रीन के अंदर सी बड़ा होना चाहिए एमडी से। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस की क्या बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब जब आप रेड पे आप लेके गए तो आपने देखा 11511 और यहाँ पर छोटा है सी एमडी से, कितना, 11 पॉइंट तकरीबन, है ना, 11 पॉइंट छोटा है। अब ये देखिए, ये आपके तभी काम आएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस होना चाहिए ना फ्रेंड्स, वो 14 से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 11 है ना, तो पोजीशन बन गई है, 11 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चलेगा, 14 तक चल जाएगा। 14 से ऊपर अगर डिफरेंस है तो हम जो है ट्रेड छोड़ देंगे, ठीक है, चाहे वो बाय की हो चाहे सेल की। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जब पोजीशन बनी है तो देखिए आप क्या करेंगे, जब पोजीशन आपकी बनेगी तो आप इसके लो पे, यानी कि इसका जो भी लो है, इसका लो क्या है, 11472। अब आप हमेशा ये जो 4 रुपये हैं, 4 रुपये इसके नीचे सेल लगाएंगे, इसके नीचे 4 रुपये, यानी कि 11472 है तकरीबन 68, 11468 के ऊपर आप जो है अपना एक ऑर्डर लगाएंगे सेल का। पर आप देखेंगे जब आपने ऑर्डर लगाया तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अब आप छोड़ दीजिए, इसके ऊपर टेस्ट कीजिए 11505 11521। तो 21 माइनस 5 16 16 है, 2 रुपये बड़ा हो गया, नहीं लेंगे ट्रेड। यहाँ देखिए 38 22 38 माइनस 22 16 नहीं लेंगे। अब देखिए आप 2 रुपये से जो है आपका ट्रेड रह गया, यहाँ पर ऊपर ग्रीन गया है मगर हमें नहीं लेना है, नहीं लेना तो नहीं लेना, रूल में नहीं बैठ रहा तो नहीं बैठ रहा है, छोड़ दीजिए गैलेक्सी नो। अब यहाँ पर आके देखिए आप, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 11535 सेल छोटा है इससे, कितना, तकरीबन 5 रुपये, परफेक्ट है, राइट। अब देखिए आप यहाँ पर इसके नीचे कितना, 4 रुपये नीचे, 15 यानी 11 पे, 11511 पे आपने ट्रेड लगाई, देखिए एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब आपको समझ में आया, आप देखिए आप अगर आप ट्रेड लगाते, मान लीजिए आप कम वैल्यू पे ट्रेड लगा देते और अगर ये एग्जीक्यूट होता तो देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता, ये हिट हो जाता। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है बहुत ही इतना ईजी नहीं है, आप हमें फॉलो कीजिए और आपको सारी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, जितने भी स्टॉक हैं आपको, जितने मार्केट में टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं जो सब यूज़ करते हैं, आपको सबकी वैल्यू आपको मिलेगी। आप अपने पास डायरी में नोट डाउन करके रखिए, कहीं कंप्यूटर में नोट डाउन करके रखिए और अपना जो है एंजॉय कीजिए। ये पता नहीं क्या क्या स्ट्रैटेजी यार लोग बताते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। 15 मिनट का चार्ट लगा लेंगे, राइट, फिर बोलेंगे कि पहली दिन की पहली कैंडल देखिए, उसको अगर वो ब्रेक कर रही है तो उसके नीचे लगा दीजिए, मतलब पता नहीं क्या क्या बताते हैं यार। निफ्टी की कितनी वोलेटाइल मार्केट होती है, स्टार्टिंग से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक तो मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है, स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। और फिर बोलते हैं कि महीने में आपको बहुत सारी रैली मिलेगी जिसमें आप बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बुक करेंगे। अरे भाई, स्टॉप लॉस इतने हिट हो जाएंगे, बंदे के पास पैसे बचेंगे? ट्रेड मार्केट के अंदर 95% लोग वो हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है, जो महीने भर अगर उनको, अगर स्टार्टिंग में ही अगर 5 से 6 स्टॉप लॉस अगर उनके हिट हो जाएँ तो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, राइट। तो हमें उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें रईसों की तरह स्ट्रैटेजी नहीं बनानी कि हमारी जेब में करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और हमने लो भाई 10 लॉट खरीद लिए, कोई बात नहीं, चलेगा पूरा महीना।
भाई वो नहीं है। यहाँ यूट्यूब पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कोई करोड़पति नहीं आ रहा है, वो उतना ही करोड़पति होता है तो वो खुद कहीं ना कहीं से जाके अच्छा खासा कोर्स करके, और जो अपना या तो इन्वेस्टर कोई हायर करता उसको पैसा दे देता। यहाँ सब के सब नॉर्मल बंदे हैं जिनके पास अमाउंट मुश्किल से 1,00,000 रुपये से भी कम जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें सोचना है। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर क्या है, 37, 39 सी रेड है तो सी छोटा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा है, कितना 2 रुपये के अराउंड छोटा है, बिल्कुल पोजीशन बन गई। आप इसके लो के नीचे 32 के नीचे 4 रुपये कम यानी 528 पे आप जो है ऑर्डर लगाएंगे। देखिए अगली कैंडल ने जो है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और देखिए आपको पूरी जो है रैली मिल गई। अब आप क्वेश्चन ही आता है कि हम बुक कहाँ करेंगे प्रॉफिट, राइट? देखिए बुक करने के लिए क्या है, या तो 3 लगातार कैंडल सेम कलर की बुक कर दीजिए, या फिर 14 बजे बुक कर दीजिए प्रॉफिट, ठीक है, 14:00 आप प्रॉफिट बुक कर देंगे। या फिर अगर नॉर्मल साइज़ की जो कैंडल हैं, नॉर्मल से अगर थोड़ी बड़ी कैंडल बनती है पहली, तो दूसरी भी उतनी ही बड़ी एक और कैंडल बनेगी। तीसरी का वेट आप नहीं करेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेडर हैं, क्योंकि हायर प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर इतनी बड़ी कैंडल एक बहुत बड़ी बन जाती है अगर स्टार्टिंग में ही, तो आप सिर्फ वेट करेंगे एक और कैंडल का, राइट, एक और कैंडल का वेट करेंगे थोड़ा सा ही देर। अगर दूसरी कैंडल का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो आप वेट करेंगे, जैसे ही इस दूसरी कैंडल का प्राइस ग्रीन कलर में जाने लगा आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर देंगे। क्योंकि यही है, या तो 3 कैंडल, या तो बड़ी बड़ी 2 कैंडल, या फिर एक पूरी बड़ी कैंडल, मगर दूसरी कैंडल का आप वेट करेंगे हल्का सा, जैसे ही अगर वो ऊपर की तरफ मूव हो रही है प्रॉफिट बुक कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि बात ये थी कि जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, राइट, जो एक एक दो दो दिन तक अपनी जो पोजीशन बना के रख सकते हैं, वो कैसे करेंगे? तो भैया देखो ऐसा है, आपकी जैसी ही ट्रेड जो है सेटअप हो, मान लीजिए आपकी सेल के अंदर ट्रेड सेटअप हुई, एग्जीक्यूट हो गई, आप नहीं करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ नहीं करेंगे, आप कब करेंगे? आप तब करेंगे जब कोई बाय सिग्नल आएगा, या फिर कोई भी बाय ग्रीन कैंडल इस लाइन को जो है टच कर देगी, और जो उसका सॉलिड ग्रीन पोर्शन है वो लाइन को टच कर चुका होगा, उसके ऊपर क्लोज होगा बेसिकली, या उसके ऊपर या लाइन के ऊपर या उससे थोड़ा सा और ऊपर क्लोज हो, तब आप अपनी पोजीशन को एंड कर देंगे। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो आप यहाँ कहीं पर जो है पोजीशन अपनी एंड कर देते, राइट, ये इसने टच कर दिया, नहीं तो आपको अच्छा खासा ओवर जो है यहाँ तक आप कहीं भी कर सकते हैं। मगर आप बहुत ज़्यादा लंबे दिन तक नहीं करेंगे, आप जो है एक दिन पूरा रुक के नेक्स्ट डे जो है वो आप तकरीबन नेक्स्ट डे आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे जब तक कि आपको अच्छी खासी पोजीशन ना मिले, नहीं तो आप नेक्स्ट डे जो है 2 बजे के अराउंड अपनी पोजीशन बुक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कोई पोजीशन बन रही है का। देखिए ग्रीन के अंदर बड़ा होना चाहिए 7, बड़ा है बिल्कुल 2 रुपये के अराउंड, 3 रुपये सॉरी बड़ा है, राइट, 3 रुपये बड़ा तो है, मगर आप देखेंगे अगर इसके ऊपर अगर हम 4 रुपये लगाएंगे ऑर्डर तो ये कैंडल उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी, छोड़ दीजिए। यहाँ देखेंगे हम तकरीबन 88,404, तो यहाँ बात नहीं बनेगी, 2 रुपये से यहाँ भी हम रह जाएंगे, छोड़ दीजिए। यहाँ देखते हैं हम 11384, 11389, देखिए बात बन गई है। अब इसके लो के नीचे हमने 4 रुपये ऑर्डर लगाया, एग्जीक्यूट हुआ, स्टॉप लॉस हमारा ये है, देखिए यहाँ से आपको रैली मिलना चालू हुई है। अब आप 2 बजे तक या 2:15 तक आप कहीं भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं। और जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो देखिए आप कहीं बुक नहीं कर रहे हैं, आप नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, अभी यहाँ भी टच नहीं हुआ, देखिए समझिए ये टच नहीं हुआ है। आप इसको अगर जूम भी करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ टच जो है नहीं हुआ है। अगर लाइन इसको ऐसे करके क्रॉस करती है तो भी आपको कोई मतलब नहीं है, कैंडल को 15 मिनट कंप्लीट होने दीजिए और देखिए कि क्या कोई सॉलिड पार्ट ऊपर है, छोड़ दीजिए। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा वो मूव करते हैं, देखिए अब आप यहाँ पर आपने ट्रेड सेटअप की थी, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, यहाँ पर आए, टच नहीं हुआ, आगे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं हुआ, अब जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर आप, या फिर जो है नेक्स्ट डे जैसे मैंने कहा था आपको 2:15 पे, आप या तो यहाँ पर कहीं, या तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर देंगे, नहीं तो अगले दिन आप जो है यहाँ पर प्रॉफिट जो है बुक कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपने कहाँ से यहाँ से लेकर आपने काफ़ी लंबी रैली यहाँ से लेकर आप जो है पूरा यहाँ तक आप बेनिफिट उठा रहे हैं,
चलिए आगे देखते हैं, इस पे देखें हम, और 11185 1180, ठीक है, ग्रीन कैंडल है, बड़ा है बिल्कुल, 5 रुपये बड़ा है, पोजीशन बन रही है, इसके ऊपर हमने लगाया ऑर्डर, एग्जीक्यूट हो गया। अब आप देखिए यहाँ से पूरा आपको रैली यहाँ तक मिली है, पूरी रैली मिली आपको। और पोजिशनल ट्रेडर के लिए यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं, ये देखिए 11.5673, नहीं बात बनेगी, छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो है बात बनेगी मगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा ऊपर वाला आपका। अगली कैंडल यहाँ देखते हैं, और तो कहीं टच नहीं हुआ है, यहाँ हुआ मगर ऑर्डर, अगर हम रेड कैंडल है, 62 है, 68 बिल्कुल बात बन गई है, इसके नीचे 4 रुपये लो के नीचे, यानी 50 पे लगाया तो ये गया 52 तक, देखिए इसका जो लो है वो 52 तक गया है, राइट, इसीलिए इसने इसको 4 रुपये नीचे ट्रिगर नहीं किया है, राइट। और देखिए अगर ये ट्रिगर हो जाता, यही फ़र्क बता रहा हूँ मैं फ्रेंड्स आपको, अगर मान लीजिए इसके लो के नीचे आपने गलत वैल्यू लगाई होती, इसका ट्रिगर हो जाता, ठीक है, लो था इसका 54, ये गया है कहाँ तक, 52 तक, मान लीजिए आप 2 रुपये लगा देते, अभी ट्रिगर हो जाता, ट्रिगर होने के बाद होता क्या, कुछ नहीं होता यार, स्टॉप लॉस तो चलो आपका यहाँ था मगर आपको प्रॉफिट भी तो नहीं होता, ऊपर तक गया कुछ भी नहीं मिला। बात यह है कि अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है, सही वैल्यू है, तो आपको ट्रेड में अटकने की नीड नहीं है, आपको अटकना नहीं पड़ेगा, आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ऑर्डर। अब आप यहाँ देखिए, इसको हम बोलते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, कैसे निकलता है, ऐसे ही निकलता है, देखिए आप, ये आपने किया, लास्ट कैंडल को देखिए क्या था, लास्ट कैंडल, इस पे भी पोजीशन बन रही है मगर आप लास्ट कैंडल को भी देख सकते हैं, 11250, यहाँ क्या है, 11253, ग्रीन कैंडल है, सॉरी ग्रीन कैंडल है, 258 253, परफेक्ट सिचुएशन, इसके कितना ऊपर, 4 रुपये ऊपर, ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, ठीक है, इसके 4 रुपये ऊपर ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। नेक्स्ट डे जैसे ही खुला, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, लो पूरा आपको जो है रैली मिल गई, 3, 1, 2, तीसरी पे आप काट दीजिए। अब यहाँ तो एग्जीक्यूट होगा नहीं ऑर्डर, काफ़ी डिफरेंस है, यहाँ होगा क्या, 78 नहीं होगा, ग्रीन कैंडल है मगर पॉइंट के बाद छोटा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये हो रहा है मगर अगली कैंडल ने जो है नहीं किया वो, ये होगा क्या, 11272715 0, 7169 बड़ा है, ठीक है, बात बन गई, इसके ऊपर लगाया ऑर्डर, एग्जीक्यूट हुआ, अगले दिन फिर से ऊपर गया मार्केट, देखिए आप 3 कैंडल 1 2 3 पे आप कर दीजिए क्लोज, अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये है, आप स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, और आप यहाँ से आराम से 2 बजे के करीबन आप यहाँ कहीं 12, 1, 2 यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। अब यहाँ देखिए 62 70, 8 का फ़र्क है और 14 का फ़र्क तक चलेगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, इसने किया, राइट, जो डे है वो यहाँ पर फिनिश हो गया, आप बाहर आ गए प्रॉफिट बुक करके। नेक्स्ट से देखिए मार्केट ओपन हुई, क्लोजिंग प्राइस 74.63, तो कितना फ़र्क हो गया, 7 और 4 11, आप बाय कर सकते हैं, इसके हाई के ऊपर किया, नेक्स्ट कैंडल ने ऑर्डर एग्जीक्यूट जो है नहीं किया, छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपको अच्छी रैली मिल रही है मगर क्योंकि रूल्स में नहीं है, तो रूल में नहीं है तो नहीं है, छोड़ दीजिए भैया। यहाँ देखिए 10, देखिए देखिए बात बनेगी, यहाँ है 11410, 11397, एक मिनट ये देखें क्या, एक बार 65 नहीं बात बनेगी, 15-16 का डिफरेंस है, यहाँ देखो, देखिए 410 397, यानी कि 3 ये 13, यानी कि एक हमारा 13 है, कर सकते हैं, इसके ऊपर आपने 4 रुपये लगाया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, लीजिए मज़ा पूरा, अगले दिन फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पोजीशन इंट्राडे वाले यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पोजीशन वाले रुके रह सकते हैं, वो कर देंगे यहाँ कहीं पोजीशन में,
अब देखिए यहाँ सेल के लिए आप गए 46.47 सेल के लिए आप गए, आपका ऑर्डर जो है 4 रुपये नीचे था, लो में 37 में 4 गए तो तकरीबन 33 का गया है लो। देखिए लो गया ही नहीं 33। अब देखिए आपको पता था कि यहाँ पर 3-4 कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर चली गई है, मगर यहाँ पर 3-4 रुपये नीचे ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ सेकंड कैंडल पे। आप देख लीजिए लो है 37, 4 गए 33, अब देखिए 35 तक ही गया है। तो इसीलिए कहा कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, देखिए अब तक एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यार, एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। यहाँ देखते हैं इस पर 52 बिल्कुल लगा दीजिए ऊपर, लगाने के बाद आप देखिए अब मज़ा स्टॉप लॉस इसका ये है, लीजिए पूरा मज़ा लीजिए। आप यहाँ कहीं इसको जो है, यहाँ दिन का एंड हो गया है तो आप यहाँ इसको प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पर पोजीशन बनी मगर 4 रुपये नीचे एक्सिक्यूट नहीं हुआ, यहाँ फिर से पोजीशन बनी। देखिए पोजीशन बनने के बाद आपने 4 रुपये ऊपर लगाया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और उसने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो कितने का नुकसान हुआ 72.63 तकरीबन 9 रुपये का आपको यहाँ पर नुकसान हो गया। अब आप आगे आ जाइए इस कैंडल को आप देखेंगे 83.68 तो तकरीबन कितना 17-13-15 का डिफरेंस हो गया, नहीं खरीद पाएंगे, छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ बात बन जाएगी 55, 5 का डिफरेंस है, बाय कीजिए। इस कैंडल ने ऊपर ट्रिगर किया, स्टॉप लॉस ये है, पूरा आपको रैली मिली 1-2-3 पे, आप यहाँ पे काट दीजिए। आगे देखिए सेल नहीं हुआ, काफ़ी लंबा गैप है, यहाँ बात बनेगी 53.38-13 नहीं बनेगी, 15 का डिफरेंस है, यहाँ बात बनेगी 46, बात बनी है 4 रुपये नीचे ऑर्डर ट्रिगर हुआ, ये इस पे जाके आपका स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया, छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 44 तकरीबन 50 ये बात बन गई, इसके 4 रुपये नीचे, लो के 4 रुपये नीचे यानी कि 37, ये गया है क्या 37 तक, हाँ जी गया है 37.05 नहीं बात नहीं बनी 37.05 और यहाँ जो है 37.95 है, ठीक है तो यहाँ भी बात नहीं बनी है, छोड़ दीजिए। यहाँ देखते हैं 34.44 10 का डिफरेंस है, बात बन गई, इसके नीचे 4 रुपये नीचे लगाया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, स्टॉप लॉस ये है। देखिए या तो 1-2-3 कैंडल तीसरे कैंडल पे कर दीजिए या फिर 14 बजे अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आप कहीं इस कैंडल पे आप कर दीजिए, पूरा आपको बेनिफिट इसमें, पूरा आपको बेनिफिट मिला इसमें। आगे आ जाइए अब आप, यहाँ पर एक पोजीशन बनेगी, अगली कैंडल एग्जीक्यूट नहीं करेगी, यहाँ बाय की बनी है तो शायद यहाँ पे ये कैंडल स्टॉप लॉस हिट कर देगी छोटी कैंडल पे, छोड़ दीजिए। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बात बनी है क्या 21.9 तो हाँ बात बनी है, बाय के ऊपर 4 रुपये 25 और 4 29 तक गया है क्या, हाँ ये भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है आपका एक। यहाँ लो पे देखिए अब आप 6.9 आप इसके लो के 4 रुपये नीचे आपने लगाया, इसने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, मगर यहाँ पर आपने इसने ट्रिगर किया, आपने यहाँ पे जाके 1-2-3 आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप रुकना चाहते हैं अभी 2 बजे तक तो आप 2 बजे तकरीबन यहाँ कहीं प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, या आप 3 कैंडल जब ये लगातार सेम कलर की बनी 1-2-3 आप यहाँ भी बुक कर सकते थे। अब देखिए यहाँ बाय पोजीशन बनी है क्या 81.67 तो तकरीबन कितना 11-12-13-14 देखिए 14 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, आप बाय कर सकते हैं राइट, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, सी है 81 और ये 67, 3 रुपये यहाँ 70 और 10 13 और 1 14 राइट। अब और देखिए पॉइंट के बाद का भी जो डिफरेंस है वो उतना ही है 80-81 इसीलिए तो बाय करेंगे आप, बाय करने का दिए स्टॉप लॉस है आपका, पूरा आपको रैली मिली है
यहाँ तो यहाँ पर आप बुक कर दीजिए 3 पे, नहीं तो सीधा जो है 2 बजे आप यहाँ पर बुक करेंगे, पूरी आपको कंप्लीट जो है जी मिला पोजीशन वाले यहाँ जाके कहीं बुक करेंगे प्रॉफिट। तो जैसे आपने देखा राइट, ये नवंबर का आ गया है, नवंबर पे अगर देखें पोजीशन कोई बनी है क्या, यहाँ नहीं तो नहीं बनेगी, यहाँ बनी है क्या 02, हाँ बनी थी, इसने पर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, छोड़ दीजिए। यहाँ 0260 सी बड़ा है, छोड़ दीजिए आप। ये बात बनेगी क्या, बनेगी, इसके 4 रुपये नीचे, 4 रुपये, ये आपका एक छोटा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ ऑर्डर 09909। देखिए यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 4 रुपये ऊपर, 12 और 4 16 16 तक गया क्या, नहीं गया, छोड़ दीजिए। यहाँ गया क्या, तो देखिए नवंबर को, 1 नवंबर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, पूरे दिन मार्केट जो है वोलेटाइल रही है। तो आपने देखा कैसे आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं राइट, और आपके बहुत ही छोटे छोटे जो है स्टॉप लॉस, 3 से लेकर 4 स्टॉप लॉस आपके हिट हुए हैं, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो भी माइनर, आपके कुछ मुश्किल से छोटी छोटी जो सबसे छोटी कैंडल्स होती हैं उसी के ऊपर आपके जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो इतना कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। और आपने देखा कैसे आपने बड़े बड़े प्रॉफिट बुक किए हैं, पूरी बड़ी बड़ी रैली आपने बेनिफिट उठाई है। देखो फ्रेंड्स, अच्छी स्ट्रैटेजी वही होती है जो बहुत ईजी हो, समझने में ईजी हो और ट्रेड करने में ईजी हो राइट। लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो ब्रेक हो गया, वो अगर बाय की तरफ जा रहा है तो सेल करो, सेल की तरफ जा रहा है बाय करो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं यार, तो समझ में ही नहीं आता राइट। इवन जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जिनको ट्रेडिंग करनी ढंग से आती है, उनको खुद को समझ में नहीं आता कि करना क्या है, कैंडल जा रही है बाय की तरफ तो बोलेंगे सेल कर दो, समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं बात बनती, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको मैं बैक टेस्ट भी इसीलिए करके दिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरीज होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मेरे पास काफ़ी सारे जो है कमेंट्स आए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो मैंने सभी के रिप्लाई करे हैं, तो होप मैं आपका भी रिप्लाई करूँगा अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी स्टॉक पे आपको वीडियो बनवानी है या किसी टॉपिक पे बनवानी है तो वो भी आप लिख दीजिए राइट, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको सेम डे ही या जैसे ही मैं फ्री होता हूँ नेक्स्ट डे, तो आपको उसको वीडियो बना के आपको डालूँगा, ताकि सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी आए फ्रेंड्स राइट। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।